धनतेरस का पावन पर्व आप सभी पर मंगल वर्षा करे। आपका जीवन धन सुख समृद्धि से भरा रहे। धन और वैभव के देवता कुबेर और धनवंतरी की उपासना के इस दिन पारंपरिक तौर से शुभ खरीदारी की जाती रही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। इस दिन खास तौर से सोना व चांदी जैसी धातुएं या उनसे बने आभूषण या पात्र खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में लोग धनतेरस पर सोने व चांदी की खूब जमकर खरीदारी करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस पावन पर्व पर सोने और चांदी के भाव में अचानक गिरावट आ गई है। ऐसे में आज सोना और चांदी खरीदना आपके लिए शुभ फलदायक तो होगा ही, साथ ही साथ ये आपके लिए किफायती भी होगा। चलिए आपको बताते हैं आज के सर्राफा बाजार के भाव और बताते हैं आज आपको सोना और चांदी किस भाव में मिल सकते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या MCX पर आज सोने के रेट में गिरावट देखी जा रही है। आज MCX पर सोना 60,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। इसके बाद 11 बजे के करीब MCX पर सोना 198 अंक यानी 0.32% की मामूली गिरावट के साथ 60,742 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अगर चांदी की बात करें तो आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 71,106 प्रति किलोग्राम के स्तर पर खुला, जिसके बाद 11 बजे के करीब चांदी की कीमत 563 रुपए यानी 0.79% घटकर 71,106 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अब बात करते हैं अलग अलग शहरों की। दिल्ली में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का रेट 60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का रेट 55,850 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 24 कैरेट सोने का रेट 52,285 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का रेट 47,927 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में 24 कैरेट सोने का रेट 61,090 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोने की बात करें तो कलकत्ता में 22 कैरेट सोने का रेट 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट इस समय 61,090 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का रेट 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। धनतेरस का पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और आप सभी को धन धान्य से भर दे। ये पर्व समृद्धि और धन और वैभव के देवता कुबेर और धनवंतरी की उपासना का पर्व है, लेकिन इस बार धनतेरस का पर्व कुछ खास संयोग लेकर आया है। संयोग ऐसा है जो आपके भाग्य को उदीयमान कर सकता है। ऐसा सालों के बाद हो रहा है जब शुक्रवार के दिन धनतेरस का त्योहार पड़ा है। ये एक अच्छा योग है। इसके साथ साथ इस धनतेरस पर कन्या राशि में शुक्र और चंद्रमा की आवक से शुक्र शशि योग नहीं बल्कि बेहद शुभ योग बना है। अगर ऐसे में आप सोने या चांदी की खरीदारी आज के दिन करते हैं तो ये बहुत फलदायी हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।